on the part of state government to provide reservation. इनका कहना है सरकार के वकील के द्वारा कि एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन प्रमोशन, रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट, वो कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको एज फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं किया जा सकता और राज्य सरकार की भी कोई संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं है रिजर्वेशन देना, ये कहा है। आर्टिकल 12 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आर्टिकल 16(4), 16(4)A एम्पावर द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर रिजर्वेशन आर रिक्वायर्ड इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट। कि इसमें सरकार के विवेक के ऊपर है कि वो रिजर्वेशन दे या ना दे, ये स्पष्ट रूप से उत्तराखंड प्रदेश के वकील की राय को, दलील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। ये कोई सोच नहीं सकता कि संविधान में जो परिस्थितियां को देखते हुए रिजर्वेशन दिया गया था वो परिस्थितियां आज भी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आखिरी संविधान सभा, तो मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर पुनिया छत्तीसगढ़ के द्वारा